अबे कप में कौन नहाता है। तो हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल, आई होप आप सब बड़े होंगे। तो आज हम जा रहे हैं लाल किला और ये हो गया तुम्हारा भाई यहाँ पे तैयार। तो निकल चुके हैं गाइस लाल किले के लिए, बैठे और मैं बैठा हुआ। चलो तो गाइस अपना आगरा चल रहा है तरक्की में, मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी अब फरवरी में और सफाई तो बहुत तगड़ी चल रही है। पहले तो बहुत गंदी रहती थी यार, अब पूरी रोड क्लीन हो रही है। तो फाइनली गाइस पहुंच गए लाल किला और ले ले टिकट, ले ले टिकट और ये रहा सामने लाल किला। और ये देखो यहाँ पे फॉरेनरों की भीड़ पीछे। चलो गाइस, तो गाइस यहाँ पर भी पोपट हो गया मेरा, मेरे को ट्राईपोड अंदर लेने नहीं दे रहा, इसको वापस करना पड़ेगा। यहाँ जमा कराता हूँ क्लॉक रूम में, यहाँ जमा कराते हैं, इसे फ़ायदा नहीं है इसे कुछ लाने का, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इसे। तो यहाँ पे लग गई तगड़ी भीड़, अच्छा वाला पहुँच जाता अंदर, वो ट्राईपोड के चक्कर में बाहर आना पड़ गया। और मम्मी बुआ होर चले गए अंदर, बहुत लंबी लाइन है यहाँ, तो पता नहीं कब तक आएगा नंबर। मम्मी और बुआ कहाँ हैं, वो पहुँच गए वहाँ आगे पे। चलो ये देखो लाल किला, चलो 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 चलो, सारे के सारे फॉरनर्स, हम इंडियन अलग। ये देखो ये लो तुम्हारी टिकट। तो पहुंच गए हम लाल किले के अंदर, पुराना है। चलो सफाई तगड़ी वाली हो रखी यहाँ, ये देखो है ना बढ़िया। तो अभी तो ये शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा है, पूरा तो घूमना अलाउड नहीं है, और जितना भी घूमेंगे आपको दिखाएंगे। और ये देखो क्या मस्त दीवार बना रखी, इतनी ऊंची इस साइड भी। और चलिए घूमते हैं अब अच्छे से, पूरा घूमेंगे आज जितना भी है यहाँ घूमने के लिए। चलो चलो चलो, यहाँ तो ताजमहल से कम भीड़ है। और ये देखो ये दरवाज़ा, ये भी वही ताजमहल की तरह इतना बड़ा दरवाज़ा ना, इसका लॉक इतना बड़ा है ये देखो। और ये देखो इसकी हाइट, ये गैलरी है देखो। ले आजा आजा, ये भाई ले ले ले, आजा आजा ले आजा ले ले, आजा आजा आजा, डर ही नहीं है गाइस बिल्कुल। अरे भाग गई, आजा ले यार, कम दम से हाथ आजा आजा आजा। अरे आ रही है वो, निकाल ले ले, आजा 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 ले। एक और गिलहरी आ गई उसकी दोस्त, ये देखो आजा 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 आजा। वो सोची है कुछ खाने के लिए पर आ रही नहीं है। ये देखो एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत सारी गिलहरी है यहाँ पे देखो। आजा आजा आजा, ये देखो चलो 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 चलो, अरे भाग गई। और ये देखो ये तो अभी काम चल रहा है इसमें, जब कुछ टाइम पहले आया था मैं तब एकदम ठीक था ये, अब धीरे धीरे टूटने लग गए ना ये, तो यहाँ पे फिर मरम्मत का काम चल रहा। और ये देखो गार्डन एकदम मस्त बढ़िया बना रखा, ये देखो। और ये देखो यहाँ पे है पुराने जमाने का कुआं, दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो कितना बड़ा है ये देखो। ये देखो भाई ना तक पानी कोई गिर जाओ, देख रहे हो कितना गहरा है। तो गाइस इसका नाम है दीवान ए आम, ये देखो बहुत ज्यादा गहरा है, देख रहे हो तो नीचे जहाँ पे पानी दिख रहा हो आपको सेंटर में, बहुत गहरा है, उधर से रास्ता भी जाने के लिए। और यहाँ पे लिखी है इसकी हिस्ट्री, थोड़ा बहुत लिखी है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ये देखो इसका नाम भी है दीवान ए आम, यहाँ पे है हिंदी में, और अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे है। ये देखो और सफाई जो हो रखी ना यहाँ पे, एक नंबर सफाई हो रखी, कहीं पे एक कचरा भी नहीं दिख रहा, ये देखो साफ ही साफ।
और अब दिखाता हूँ आपको तोप पुराने जमाने की, बहुत साल पुरानी है ये, देखो ब्रिटिश कैनन ये रखी यहाँ पे, पुरानी तोप है ना, बढ़िया। ये देख रहे हो कितनी बड़ी तोप है, इसे उठाने के कम से कम 500 आदमी चाहिए तब जाके उठेगी, है बहुत ज़्यादा भारी होगी। ये देखो अभी तो ये ऊपर ही है जिससे फायरिंग वगैरह होती है, इसके नीचे का कहीं होगा। ये देखो पूरे लोहे की है, जंग वगैरह लग गया इसमें तो अभी, पर है ना एकदम एक नंबर चीज, बढ़िया है। कभी टाइम मिले तो आओ आगरा के लाल किला घूमने, दिल्ली में तो है पर हमारे आगरा में भी है लाल किला। ये देखो तो अब के समय में तो आपको तोप देखने को मिलेगी भी नहीं, किसी किसी जगह पर है, वो भी दिखाने के लिए कि पहले के टाइम पे कैसे कैसे वेपन यूज़ होते थे लड़ाई के लिए। और बहुत सारी जगह पर यह बंद कर रखी, एक ये सामने की जगह है, उसके पीछे भी कुछ है पर वहाँ पे लग रखा गेट और बैठा का सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है शायद। तो चलते हैं अभी इसके अंदर, ये भी दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है, कुछ है नहीं खास, बस मैं जा रहा हूँ एक बार आया था जब। ये देखो जो कारीगरी कर रखी ना इनमें, वाह अब तो ऐसा बन भी नहीं पाएगा कभी भी। और ये देखो इतना बढ़िया बना रखा ना, आजकल के कारीगरों के बस की नहीं है ऐसा बनाना, दोबारा तो बन ही नहीं सकता, बस वही आजकल इसमें मरम्मत चल रही क्योंकि क्रैक्स वगैरह पड़ गए इसमें। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर से टूट भी गया है, और यहाँ पे क्या है ये, क्या है ये तो पता भी नहीं है। अच्छा इस पर बैठते थे शायद, टेबल टाइप की बन रखी है, देखो पूरी मार्बल से बन रखी पूरी टेबल, बहुत भारी होगी ये भी। और ये देखो यहाँ पे भी बंद कर रखा, यहाँ पे चल रहा भी काम, ऊपर आ गए हैं क्रैक्स वगैरह देख रहे हो, तो थोड़ा मरम्मत वगैरह करके थोड़ा वैसे ही काम चलाने के लिए है, अभी बहुत काम है इसमें। अब चलते हैं दीवाने खास के अंदर, ये देखो वाह क्या सीढ़ियाँ हैं, चलो। और ये देखो एक नंबर गेट, अच्छा ये रास्ता कहाँ निकलता है, और ये पहुँच गए हम कहीं और ही। ये देखो यहाँ से दिखता है ताजमहल, दिखाता हूँ अभी कहाँ से दिखता है आपको, ये देखो है ना बढ़िया। तो आप चलते हैं इसके अंदर, नगीना मस्जिद, बाहर उतार दी हमने शूज़। और ये देखो ये तो मेरे से ही पहले पहुँच रखे, क्या है यहाँ पे, ये है मस्जिद, ये देखो बढ़िया बना रखा ना एकदम मस्त। यहाँ पे शायद नवाज वगैरह पढ़ने आते थे जिसने भी ये बनवाया था, और उनके वो आते होंगे जो भी। ये देखो ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, शायद यहाँ पे पानी आता होगा, बना तो बढ़िया रखा है, एक नंबर, एक नंबर की कारीगरी करते थे यहाँ पे मस्त एकदम। और ये देखो पुराने टाइप का दरवाज़ा, ऐसा बनता ही नहीं है। ये देखो एक लॉक यहाँ पे, और एक लॉक यहाँ पे, एक लॉक यहाँ पे, और यह है पुराने ज़माने की बैल, इसको खटखट करके। ये देखो I saw you from across the way and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough. It's enough for me. You're smiling Julian and तो चलो अब चलते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इधर भी है जाने का कुछ शायद, ये देखो पर ये हो रखा है यहाँ बंद भयंकर, इंद्र यहाँ तो डर लग रहा, मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से, ड्राइव ना है सीट पे, चलो। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ताजमहल, यहाँ से ताजमहल भी दिखता है, चलो इधर। ये क्या बना रखा है यहाँ पे, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, चलो यहाँ से नीचे, और चलो चलो बुआ मम्मी मौसी और तो चले गए आगे, मैं रह गया पीछे, गार्डन एकदम बढ़िया कर रखा। ये देखो और ये क्या है, शाही हमाम और जलापूर्ति व्यवस्था, ये पढ़ना हो तो आपको पढ़ लेना, ये हिंदी में और ये है इंग्लिश में। वैसे एक बात तो है, जो पहले के टाइम पे दरवाजे बनते थे ना एकदम बढ़िया बनते थे, और जो डिज़ाइनिंग कर रखी ना इसमें एकदम बढ़िया, तीन तीन तो लॉक ही है इसमें। ये देखो ये देखो ये भी पूरे लोहे का है,
और दरवाज़ा एकदम मस्त मजबूत है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। और ये देखो, चलो आपको दिखाता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था, ताजमहल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, चलो 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 चलो। और यहाँ पर है एक और बैठने की टेबल, ये देखो, ये ब्लैक मार्बल से बन रही शायद, ये तो ब्रेक हो गई यहाँ साइड से, धीरे धीरे टूट रहा है जैसे जैसे पुराना होते जा रहा। ये देखो, और यहाँ सामने से दिख रहा है ताजमहल, दिखाता हूँ। अभी कोहरे में इतना बढ़िया दिख रहा नहीं है, पर जितना भी दिखेगा देख लेना आप। ये देखो सामने है ताजमहल, पर इसमें दिख रहा नहीं है अभी, वहाँ इतना कोहरा और ना तगड़ा वाला फॉगी फॉग, जूम करके भी नहीं दिख रहा, पर मैं आपको उंगली कर देता हूँ वहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पे ये रहा ताजमहल, हल्का हल्का दिख रहा है ना। और ये देखो यहाँ पे आगरा का तगड़ा नज़ारा, और ये देखो यहाँ पे भी क्या बढ़िया चीज़ बना रखी है ना मस्त, ये पिलर तो मतलब एक नंबर बना रखे, जो कारीगरी एकदम बढ़िया कर रखी मस्त वाली। तो यहाँ से चलो नीचे, अब चलो। तो कैसा लगा बुआ यहाँ के? बहुत अच्छा लगा बाबू। क्या है अच्छा ये तो बताओ? अच्छा ये है कि पुराने जमानों में राजाओं का राजमहल है, और शाहजहाँ यहाँ से कहाँ जाता था, क्या बोलते हैं उसका नाम, दिल्ली जाता था, वो ताजमहल से जाता था, ताजमहल से जाता था, यहाँ थोड़ी जाता है, यहाँ मिलने आता था ना कोई रानी को, वो दिल्ली में जाता था। चलो चलो चलो। अरे मम्मी मौसी और तो चले गए आगे, बुआ और मैं रह गए पीछे। ये जेल है क्या? ये देखो अंधेरा ही अंधेरा, और यहाँ तो डर भी लग रहा है, फोन ना गिर जाए, फोन गया तो फिर तो सब कुछ हो गया खराब। ये देखो अब कहाँ पहुँचे हम, वाह ये भी जगह है देखने वाली मस्त। ये देखो ये इतना बड़ा है ना लाल किला, कि आप यहाँ सुबह से रात तक भी घूमो ना तब भी आप पूरा नहीं घूम पाओगे। यहाँ पे लगी है देखने वाली भीड़, ये देखो यहाँ पे क्या है देखते हैं चलो। वाह ये है बढ़िया, यहाँ ऊपर शायद पानी आता होगा, ये देखो ऊपर से एकदम पतली सी जगह छोड़ रखी, वहाँ से पानी आता होगा। और ये भी है देखने के लिए जगह, ये देखो क्या मस्त डिज़ाइन बना रखे यहाँ पिलरों पे, देख रहे हो। और यहाँ पे ये सब लोग ले ले ट्यूशन, रिफ्लेक्शन पड़ रहे शायद कि इस पे ये कुछ कलर वलर हैं पिलरों पे, उस पे अगर लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा कुछ। ये सब क्लास लेने आ रखे हैं, घूमने नहीं आ रखे हैं। ये देखो इन्हें अगर ट्यूशन ही पढ़ना था मेरे पास आए थे, मैं पढ़ा देता रिफ्लेक्शन में, इतनी दूर आए मतलब ताजमहल में ट्यूशन लेने आ रही है, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे कि लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। छोड़ो मैं फ्री में पढ़ा देता पहले। और गाइस आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा नाम है जो आप देख के खुश हो जाओगे। ये देखो ये ऐसा नाम यहाँ पर मुझे बढ़िया लगा, सोमनाथ दरवाज़ा, नहीं तो हॉर तो ये लिखा है, ये देखो गजनीन गेट, पर ये वाला ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे सोमनाथ गेट। और ये है गजनी दरवाज़ा, ये लिखा है यहाँ पे इसकी हिस्ट्री इंग्लिश में, और ये लिखी यहाँ पे हिंदी में, पढ़ना हो तो पढ़ लेना आप। ये देखो ये अंदर, ये देखो यहाँ ये टूट रखा शायद, ये दरवाज़ा भी टूट गया यहाँ से, यहाँ लॉक था पर अंदर जाने का है, पर अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। पर ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी यहाँ पे जो ये लिखा है सोमनाथ दरवाज़ा। और यहाँ देखो ये बंदे दीवार में कान लगा के खड़े हो रखे, पता नहीं कुछ आवाज़ आ रही होगी शायद, ने देखता हूँ मैं भी चल के, एक यहाँ पे लगा रखा एक वहाँ पे भी लगा के देख रहे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लगा के देखना पड़ेगा। ये अंकल तो पूरा दीवार में ही घुस गए, अंकल जी कान लगाना है वहाँ पे, पूरा मुँह नहीं पता नहीं, अब मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ क्या होता है, एक एक करके सब लगा रहे हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ क्या होता है, कौन सी आवाज़ आती है यहाँ पे। कुछ नहीं गाइस फालतू का टाइम पास है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, वही आवाज़ गूंज के वापस आ रही यहाँ पे, इस पे कान लगा रहे हैं बंदे, अब पता नहीं ये कितना रियल है, मेरे को कोई आवाज़ नहीं आई, आवाज़ ही आवाज़ गूंज रही बस। और यहाँ पे देखो बंदों ने गड्ढे ही कर दिया कान लगा लगा के, ये देखो हल्की हल्की आवाज़ आ तो रही, पर वो ये जो हम बोल रहे वो दोबारा वापस आ रहा बोल के। और अब मैं पहुँच गया पुराने ज़माने में, ये देखो वाह क्या बढ़िया जगह है,
ये देखो, अरे यहाँ तो कोई है नहीं। वाह क्या मस्त है, इधर से इधर चलो। अरे किधर है, वाह इधर तो पूरा बंद कर रखा। वाह भाई यहाँ तो बंदा वैसे ही डर जाए ऐसे देख के। अरे यार कौन सी गली है ये, ऐसी गली तो हमारी कॉलोनी में भी नहीं है। अरे ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया मैं, दोबारा से अंदर चलते हैं वापस, इधर से इधर। या तो कन्फ्यूजन हो गया किधर से आया था मैं किधर गया, इधर से। अबू और भी गायब हो गए, मेरे को तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए वो इधर। अरे कहाँ था ये देखो, और ये पता नहीं क्या लिखा यहाँ पे, ये कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा मेरे, आपकी समझ में आया तो कमेंट में बता देना क्या ये। और इधर से इधर 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 चलते हैं इधर, ये देखो ये भी है देखने की जगह, मस्त है ना। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा लाल किला, और शेयर भी कर देना। और बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना यहाँ पे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए है ये यहाँ पे एक चीज़ है, ये भी मेरे समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ के लिए है ये। बंद कर रखो, पता नहीं क्या है ये, आपको पता हो तो बता देना कमेंट में। और ये देखो यहाँ से कुछ दिखता है शायद, मेरे को लगता है ताजमहल दिखता होगा, हर जगह से वही दिख रहा, पर ये विंडो वगैरह मस्त बना रखी एकदम। चलो बंदे यहाँ घूमने आए तो ठीक है, पर यहाँ पे अपनी प्यार का इजहार कर रहे हैं, दिखा दो आपको। ये देखो ये कहीं पे दिल बना रखा, कहीं पे नाम लिख रखा। वाह ये देखो यहाँ कोई ड्राइंग ही बना के चले गया, अबे है क्या ये समझ ही नहीं आ रहा। और ये देखो यहाँ एक कौन सी प्रेम कहानी चल रही, राहुल लवली। वाह मतलब इन्हें हर जगह तो मिली नहीं, यहीं अपने प्यार का इजहार हो गया। वाह पूरी दीवार ऐसी कर रखी, यहाँ देखो कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, मतलब आए हैं तो निशानी छोड़ के जाएंगे। वाह क्या बात है, मैं तो सिंगल हूँ मैं तो लिख नहीं सकता यहाँ, मीनाक्षी जो भी लिखा है। चलो अब ढूंढते हैं मम्मी को, कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ अकेला खो गया हूँ। चलो चलो चलो, अरे किधर से आया था अब दोबारा, अरे यार कन्फ्यूजन जा है ये, इतनी सारी गलियाँ ही ना यहाँ पे पता ही चल रहा। अबे कौन सी अंधेरी जगह में आ गया मैं, यहाँ तो डर लग रहा रे। ओहो यहाँ निकलता है ये, ये देखो यहाँ पे क्या मस्त गार्डन बना रखा ना, अलग अलग टाइप के। ये देखो इसका कलर थोड़ा रेड रेड लग रहा, ये तो ग्रीन। वाह पर मस्त है कॉम्बिनेशन, ये देखो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा चाय का कप, आपने देखा भी नहीं होगा आज तक। ये देखो सामने इतना बड़ा चाय का गिलास, चाय का कप जो भी, ये देखो। अब इसमें तो पता नहीं कितने बैठ जाएंगे, ये देखो है ना बढ़िया, ये तो बहुत बड़ा है, पूरे पत्थर से ही बन रखा है ये देखो। ये देखो क्या है ये, जांगी बाटक। अबे कप में कौन नहाता है, वाह अलग ही थे मतलब पहले के लोग कप में नहा रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या मज़ा आता होगा इसमें, इससे बढ़िया इसमें चाय पी रहता अलग ही मज़ा आता। और ये देखो यहाँ पे छोटी सी गिलहरी, अरे अंदर चले गई। और यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का फोटो शूट। और फाइनली मिल गए मेरे को मम्मी, और यही कप के पास बैठ के, वो सामने पे इतनी देर से ढूंढ रहा था मैं, और यहाँ पे बैठे, शायद थक लग गई होगी इन्हें, पूछते हैं इनसे। चलो थक लग गई क्या, आप कहाँ जा रहे हो, शीश महल कहाँ पे है, तुम आई तो थी, शीश महल है ना, मम्मी भूल गई है। तो ये दूल्हा पार दो रखा, ये दूल्हा पार, यहाँ पे अभी शीश महल भी है घूमने के लिए, मैं तो पहली बार दूंगा, इससे पहले भी आ रखा पर आज तक गया नहीं मैं। क्या किधर, इधर पता नहीं, इधर भी है कुछ घूमने के लिए। वो जो अभी बाथ टब दिखाया ना आपको, उसे जहांगीर बाथ टब नहीं चाय टब बोलना चाहिए, वो परफेक्ट बैठ रहा है उस पर। पहली बार देख रहा हूँ मैं कि कोई बंदा
चाय के कप में भी नहा सकता है। हुआ बाथरूम की बात तो अलग थी, बाथरूम के बाथटब में या बाल्टी में जग डाल के नहा गए। हुआ यहाँ अलग ही है, पहले के लोग थोड़ा यूनिक होते थे ना, एकदम मस्त मज़ा भी आता था। और अब तो कप में क्या, अब तो बंदे सर्दियों में नहाते ही नहीं है वैसे भी, मैं खुद 3-4 दिन से नहाया नहीं सच बताऊँ तो। और ये देखो महल टूट रहा धीरे धीरे यहाँ पे, सब कुछ कुछ टूट चुका है यहाँ। यहाँ पे तो कुएँ ही कुएँ हैं, एक कुआँ यहाँ पे है, इसका तो नाम ही नहीं लिखा कुछ। ये देखो इसके अंदर देखने में पता नहीं मुझे डर सा क्यों लग रहा, ऐसा लग रहा है कि फ़ोन ना गिर जाए। और ये देखो यहाँ सिक्के डाल रखे बंदों ने अंदर, देख रहे हो, ये तो वापस ही नहीं आएंगे अब। और एक और है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, बाबली अकबरी महल। महल अरे महल थोड़ी है, कुआँ है यार ये, कुछ तो सही लिखा करो। और ये देखो ये तो पहले वाले से बहुत गहरा है, पानी तो सूख गया पूरा। जो सबसे पहले दिखाया था मैंने आपको ना फर्स्ट टाइम, वो थोड़ा कम गहरा था, ये कुछ ज़्यादा ही गहरा है, बहुत नीचे तक जा रखा है। नाम मस्त है पर इसका, बाबली, वाह क्या बात है, एकदम मस्त। तो चलो अब चलते हैं मम्मी और के पास, वो चले गई शीश महल, मेरे को पता भी नहीं उस रास्ता कहाँ है। वाह बंदों ने ये दीवार भी नहीं छोड़ी, यहाँ पे भी अपनी लव स्टोरी के नाम लगा दिए, मस्त। पता नहीं क्या क्या, सपना, राखी, सुधा, वाह क्या बात है, दीपक। अरे कोई दीवार तो छोड़ देते। अरे यार दोबारा यहीं आ गया मैं, वही कान वाला सीन। अंकल जी कान लगाओ, मुंह नहीं। ये देखो ये भी ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे है गाइस शीश महल, ये देखो यहाँ से तो अभी होके ही गया मैं, कम से कम 5-6 राउंड मारे होंगे यहीं के मैंने। ये देखो अरे मेरे को भी तो देखने दो, यहाँ तो बंदे अंदर जाते, पर ये देखो ये है शीश महल, दिख रहा नहीं है साफ कुछ है ना, बढ़िया। ये देखो शीश महल पहले से, ये वो प्लेस है जहाँ पे क्वीन समझ में बात करती है। चलो यहाँ पे लेडीज का बातिंग पार्ट है, ये मेरा पहले से मिरर है। चलो क्वीन की बातिंग की भी पुनः बात के लिए स्पेशली जो ग्लासेस हैं यहाँ के सीरियस इंपोर्ट करते हैं, ये पूरा मिरर का पैलेस बना हुआ है, एक ये बार का है उसके अंदर दो बार का वो है, क्वालिटी समझ में यूज करते हैं कोई है ना, अंदर के लिए भी जोर से पब्लिक है नहीं है कि छोड़ने लगे स्टोन्स निकालने लगती नाचने लगती और नाक लच्चे वो देते हैं जाके। ये क्या लिखा है यहाँ पे, स्मारक को नाक खरोचने के लिए धन्यवाद। खरोच खरोच तो रखा है यहाँ, इतनी सारी खरोच पड़ी है यहाँ, वाह क्या मस्त लिखा है ना। और यहाँ आके एक चीज़ बोलने का मन कर रहा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बढ़िया बोला वैसे जिसने ही बोला, ये मेरे को तो पता ही नहीं अभी किसी ने बोला है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बस सुनने में मज़ा आता है ये। और सामने खड़े हैं पूरे फॉरनर्स, इन्हें ऐसी चीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों आते रहते हैं ये। उधर देखो लाइन से खड़े हो रखे वहाँ, उधर भी, ये देखो है ना बढ़िया। तो चलो अब चलते हैं बाहर, क्या खाओगी बुआ बाहर जाके? छोले भटूरे खाएंगे बेटा। और क्या कर, काजू बादाम क्या है? काजू बादाम कौन खाता है? काजू बादाम का शेक। अरे फेमस है यहाँ आगरा का, फेमस तो सभी है आगरा में, हर चीज फेमस है। तुम क्या खाओगी? मैं भटूरे। भटूरे आज सबको छोले भटूरे खाने का भूत लग गया, तो मैं भी खा ही लूँगा जब ये सब खा रहे। तो गाइस कमेंट में बताओ ये नंबर क्यों है मेरे हाथ में 332, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, मैं बताने वाला हूँ। तो ये नंबर है लॉकर रूम का जहाँ पे मैंने अपना ट्राईपॉड जमा कराया, और बाहर जाके मैंने अपना ट्राईपॉड भी लेना, भूल गया तो फिर यही छूट जाएगा ट्राईपॉड। और ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड जॉन देखते हैं।
तो चलो मिल गया मेरा ट्राइपॉड वापस, इसको दोबारा से पर्स में जमा करना पड़ेगा, हाथ में लेके घूमूंगा नहीं इसे, अब इसे ले जाऊंगा ही नहीं भाई, जब खिलावट ही नहीं है फ़ायदा नहीं है इसे जाने का, मैं जब ब्लॉग व्लॉग बनाने का काम आएगा, पर ये तो कहीं काम ही नहीं आ रहा मेरे। और यहाँ पे खिंचवा रहे फ़ोटो, ये देखो यहाँ से दिख रहा ना लाल किला बाहर मस्त एकदम, यहाँ पे चल रहा मम्मी का फ़ोटो शूट। ये देखो यहाँ पे बंदर खा रहा है बिस्किट, बंदर भाई बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोले भाई। ये देखो भूख लग गई होगी बेचारे को, क्या मस्त तरीके से खा रहा ना ये, जय श्री राम। चलो चलते हैं बाद में मिलेंगे। चलो तो अब बैठ रहे हैं ई रिक्शा में और जा रहे हैं हम बिजली घर, बैठो 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 भैया, आगे बैठ जाओ। चलो भैया बैठ गए, चलो। और यहाँ पे हो गई अंकल की लड़ाई प्राइस के चक्कर में, अंकल जी साइड हट जाओ। तो बैठ गए अब ई रिक्शा में और चल पड़े बिजली घर के लिए, लाल किले के पास ही अभी थोड़ा आगे में है बस। ये देखो यहाँ जाम, यहाँ जब भी आता हूँ ना जाम ही जाम मिलता है मेरे को। कहाँ जा रही हो? चलो अरे पहले वहाँ चलो तब आना। हाँ यहाँ भैया की शॉप पे जहाँ पे मिलते हैं बढ़िया छोले भटूरे, ये देख रहे हो यहाँ पे भीड़, ये देखो बिजली घर के फेमस यही है यहाँ पे। चलो हो जाओ वहाँ पे खड़े, चलो खाना। और ये मिल गई हमारी पहली प्लेट, ये लो। ये है यहाँ पे अचार, मूली और प्याज और वो छोले, और ये दूसरी प्लेट, ये लो। और यहाँ पे खड़े हो गए हम लाइन से खाने के लिए, बढ़िया हो रहे बुआ। तो बुआ को तो पसंद आ गए, मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो गाइस अभी भटूरे सही से खाए भी नहीं थे, ये पहुंच गए फिर से कपड़ों की दुकान में। ये देखो मम्मी तो अंदर ही बैठ गई, लेना है नहीं इनने कुछ मेरे को पता है। तो अब यहाँ पे मौसी और देख रहे हैं चद्दर डबल बेड के लिए, देहरादून ले जाएंगे शायद, बुआ को ही पसंद आ गया तो बुआ भी ले लेंगी, कलर तो बढ़िया लग रहा। पहुँच गए गाइस हम खाटू श्याम मंदिर, ये रहा सामने। तो फाइनली गेट खुल चुके हैं, ये है यहाँ पे गणेश जी का मंदिर और सामने है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे चलते हैं पहले। जय श्री राम जय हनुमान जी। और ये देखो यहाँ धीरे धीरे लोग आते जा रहे, चलो श्याम महाराज चलो। और ये पहुंच गए मंदिर, और ये देखो कितना बढ़िया बना रखा ना मंदिर, ये देखो ऊपर का डिजाइन और ये झालर है ना मस्त, ये देखो। आ गए बंदर से बात, अब करते हैं परिक्रमा। ये देखो ये पहले जब मैं आया था ये ओपन था, अब क्लोज कर दिया, ये देखो। चलो तो भाई जब चलते हैं घर। बुआ कैसा लगा मंदिर के अंदर? बहुत अच्छा लगा बेटा, खाटू श्याम का मंदिर बहुत अच्छा है, बढ़िया बना रखा। अच्छा ये बहुत अच्छा लगा। मौसी आपको कैसा लगा? मौसी कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा बाबू, ये मंदिर पहली बार आए हम, पूरा लगाया पूरा ही लगाया। तो फाइनली पहुंच चुका हूं घर, इतना बोर हो गया था ना मार्केट में, वहाँ इतनी शॉप में गई मम्मी, पहले तो कुछ लिया ही नहीं, गई देखा पसंद नहीं आया फिर नहीं लिया, फिर दूसरी शॉप में गई वहाँ से भी लिया कुछ,
मैं ऐसे घूम घूम के परेशान हो गया ना, और एक तो फिर क्या बताऊँ, चल चल के हालत खराब हो रही थी, कभी इस शॉप में कभी उस शॉप में, ऐसा चल के बड़ी मुश्किलों के बाद भी आई। ये दो टावल लिए, एक बुआ का है एक हमारा है, और ये ली लाली ने अपने लिए जुत्ती। तो आज का सीन तो कुछ ऐसे ही हुआ, लाल किला फिर खाटू श्याम मंदिर, और थक लग गई और टाइम हो गया 6, सुबह कितने बजे गए, सुबह चले गए थे हम जल्दी। तो मुझे लग चुकी है अब तगड़ी वाली भूख और थक लग गई। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।